अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं ट्राई करने जा रहा हूँ एक न्यू सेटअप। कोशिश है कि मोटो व्लॉगिंग सेटअप तैयार किया जाए। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैंने ऑर्डर कर दी हुई हैं, तो वो पहुँचने में अभी टाइम लगेगा, लेकिन मेरे पास एक सेल्फी स्टिक पड़ी थी तो मैंने कहा क्यों ना आज एक तजुर्बा किया जाए बाइक के साथ कि कैसा ये काम करती है, कि हमें काम देती भी है कि नहीं देती। तो वैसे यहाँ से तो एंगल ठीक आ रहा है, मैं एक दूर भी कर सकता हूँ, पास भी कर सकता हूँ, तो ये एक चीज़ तो अच्छी है। तो अभी मैं बाइक निकाल के तो वहाँ पे ट्राई करके देखता हूँ ये कैसे मैं इसे फिक्स करूँगा बाइक के साथ, तो और ये काम देगी कि नहीं, तो पहले मैं ट्राई करता हूँ। अभी कुछ इस तरह से टेम्पररी जो जो है मैंने किया सेटअप, यहाँ पे मैंने लगा लिया माइक, तो कैमरा लगेगा बाइक के साथ, तो देखते हैं अभी ट्राई करके कैसी साउंड आती है और क्या तजुर्बा कामयाब रहता है कि नहीं रहता, जो भी होगा आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये सेटअप मैंने बना लिया अभी, तो हेलमेट भी मैंने पहन लिया है, तो अभी देखते हैं कि कैसा हमारा रिजल्ट आता है। तो क्या बंदा हमारे साथ, अभी बाइक को स्टार्ट करते हैं। बाइक स्टार्ट हो गई है तो इसे थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। कैसा लग रहा हो वैसे, आवाज़ कैसी आ रही है? आसमान तो बड़ा प्यारा है, मौसम अच्छा हुआ है। तो अभी आपको आज का सेटअप इसी तरह होगा, तो इंशाल्लाह मैंने मंगवाया है यहाँ पे गोप्रो का सेटअप, तो वो लगा के फिर व्लॉग किया करेंगे। तो अभी इतना ही है, तो अभी निकलते हैं। बाइक को मैंने ज़्यादा गर्म नहीं किया, मैंने कहा पहले ये टेस्टिंग कर लें, ये टेस्टिंग कर लेंगे कैसी आती है। मोबाइल ज़्यादा जर्क हो रहा है मुझे लग रहा है, तो ये मेरा टेम्पररी सेटअप है तो इस पे मोबाइल तो जर्क होगा क्योंकि मोबाइल भी मेरा ज़रा हल्के वाला है। तो यहाँ से मुझे सामने से मलक साहब नज़र आते हुए, तो मलक साहब के साथ मिल लेते हैं अभी। अस्सलाम वालेकुम मलक साहब, क्या हाल चाल? ठीक ठाक भैया, सेटअप चेक कर रहा हूँ अभी मोटो व्लॉगिंग का। हाँ तो आप कहाँ जा रहे हो? अली भाई चिश्तियाँ। तो अभी मलक भाई जो आए हमें मिल गए हैं, तो मलक भाई के साथ हमें मिल लिया है। तो अभी हम ये टेस्टिंग करेंगे कि कैसा है। वैसे तो मुझे यहाँ से जो नजर आ रहा है वो क्या कमाल का जो एंगल है, लेकिन मोबाइल मेरा जर्क बहुत ज्यादा कर रहा है, तो इसका कोई हल करना पड़ेगा। ये कोई अच्छी बात नहीं है कि मोबाइल, यहाँ पे वैसे भी हमारी जो बम्पी रोड है, बाइक की जो सस्पेंशन है वो भी ज़रा हार्ड सस्पेंशन होती है क्योंकि स्पोर्ट्स बाइक है, इसमें इसी तरह से होगा। तो कोशिश मेरी यह है कि आपके लिए अच्छी वीडियोस लेके आए, तो इसी की कोशिश में आज मैं निकला हूँ ताकि आपको भी, आप भी इंजॉय करें और मैं भी इंजॉय करूँ, तो सब काम साथ साथ हों, आप भी खुश हों मैं भी खुश हूँ। ये मैं चढ़ गया हूँ अपनी रोड पे, तो मेरा कैमरा मोबाइल के साथ हवा के साथ हिल गया सारा, तो अभी पकड़ के रखते हैं या बाइक को स्लो रखते हैं क्योंकि हवा का प्रेशर जो है ज़्यादा बन रहा है, तो मोबाइल मेरा जो है हिरा अभी स्लो रखते हैं, तो इसे कोई परमानेंट हल करके ना इसका, तो फिर व्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह से। बस आज तो वैसे ही मैं चेक करने आया हूँ, ये आ गया जी जम। ऐसी सूरत हाल है मेरे आगे जा रहे हैं 533 533। वैसे अगर तो ये कामयाब हो जाए मेरा, तो मुझे लग रहा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी हमारी। अभी मुझे आवाज़ का भी नहीं पता मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं है आपको। माइक तो मैंने लगा लिया है लेकिन माइक में भी थोड़ा सा इशू है, आवाज़ का ये आवाज़ रिकॉर्ड नहीं करता, हवा का प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है, तो मुझे लगता है कि मुझे रोक के वापस जाना पड़ेगा। अभी करते हैं कोशिश, अभी रोड पे निकलते हैं तो कोशिश करते हैं। एक तो इसमें ये भी डर है कि कोई मेरा मोबाइल है वही ना खींच के ले जाए, क्योंकि ये बस ऐसे है। मलिक साहब फिर एक मरतबा मेरे सामने, मलिक साहब होता फिर मलिक साहब अपने कार निकले हुए हैं, तो वो कहीं से शॉर्टकट लगा के फिर मेरे आगे आए हुए हैं।
अभी सेटअप ये हुआ है, वो हिली जा रहा है हिली जा रहा है, तो आज की वीडियो बस ऐसी होगी पंपी सी। तो मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम जो है ये अपना ये वाला सेटअप जो एंगल है तो अच्छा रखूं, ताकि आपको भी मजा आए देखने का। अभी तो ये शुरुआत है मेरे चैनल की, तो कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छी से अच्छी वीडियो लाऊं, लेकिन काम मुश्किल लग रहा है मुझे वैसे थोड़ा सा। कोई नहीं, ट्राई करते हैं ये वाला एंगल कैसा है, यहाँ पे कर लेते हैं। हाँ यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे तो हवा का प्रेशर आया और क्या हवा का प्रेशर आता हूँ, तो अभी स्लो ही रखेंगे, स्लो राइड करेंगे, तो भगाते नहीं है। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ गवर्नमेंट कॉलेज है बॉयज लारी अड्डा वहाँ पे, तो ईद के बाद रश जो है खासा कम हो चुका है, तो मुझे डर यही है कि कोई मेरा मोबाइल जो है वो ना यहाँ से निकाल ले, क्योंकि खुली फिजा में मैंने खुला छोड़ दिया है और पाकिस्तान के हालात भी कुछ अच्छे हैं, तो डर तो कोई नहीं है फिलहाल। हमारे शहर में ऐसी कोई वारदात होती नहीं है वैसे, लेकिन ये आपको वैसे ये भी अच्छा है कि आपको मेरे साथ आपको भी ये समुद्री की जो सड़कें हैं आपको समझ आ रही होंगी कि कैसी सड़कें हैं। उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो है जो पसंद आएगी, ये भी मैं ऐसे ही डालूंगा और रॉ वीडियो में कोशिश करता हुआ व्लॉगिंग की, मोटो व्लॉगिंग की, तो उम्मीद है कि आपको ये पसंद आए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं जिन्होंने नहीं किया। मैं देख रहा हूँ एनालिटिक्स, तो जो 50% लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आप भी मेरे साथ सपोर्ट बने और मैं मोटिवेट होता रहूँ और कोशिश करूँ आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो ले जाए। ये मेरे सामने पीछे टावर, बड़ा अच्छा सीन था। मैं अभी ये हिल गया, मेरा कैमरा हिल गया, अब आके जब मैं थोड़ा सा भगाता हूँ तो हवा का प्रेशर आ जाता है बीच में, तो बाइक का पेट्रोल कम है तो मैं ज़्यादा आगे नहीं जाऊँगा। मैं तो अभी टेस्टिंग के लिए निकला था, तो मैंने कहा चलो क्यों ना बस किया जाए। मैंने ये जो अपना सेटअप है ये बॉडी के साथ टच नहीं किया, ताकि बॉडी पे स्क्रैच वगैरह ना आए। तो अभी ऐसा है, आवाज़ पता नहीं कैसी आ रही होगी, क्योंकि माइक मैंने सेट तो कर लिया था, लेकिन पता नहीं है विंड की नॉइज़ आ रही है आपको कि मेरी आवाज़ आ रही है, तो मैं बार बार कैमरा ठीक करते हुए। तो अभी मैं निकल चुका हूँ फैसलाबाद रोड, फैसलाबाद की जानब, तो अभी शहर के अंदर ही हूँ। फोन कॉल आ गई है किसी की, पहले फोन कॉल सुन लेते हैं। वैसे भी मेरा जो था कैमरा वो सारा हिल गया था, सारा सेटअप मेरा ख़राब हो गया था, तो फिर मैंने वहीं पे वीडियो बंद कर दी थी। तो अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ करें शेयर और नीचे करें अच्छे अच्छे से कमेंट। तब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।